आपसे दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे आपके अपने YouTube चैनल बंसल स्टडी गेट पे लर्निंग में। तो इससे पहले आपने देख लिया होगा मैथ्स ऑफ 3D का पार्ट 3, तो सही बच्चों देख लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो आप लोग हमारे आई बटन में जाके वीडियो देख सकते हैं कि क्या पार्ट 3 में बताया गया था। पार्ट 3 में मैं बता दूँ आपको कि क्वेश्चन नंबर 24 तक गए थे और पार्ट 4 है आज हमारा, और जैसे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से, तो जानेंगे क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। उससे पहले मैं बता दूँ कि क्लासेज में आपको बहुत सारे क्वेश्चन हमसे कराने वाले हैं, आपको एडवांस चल रहा है। तो एक नोटिस आपको मैं देने वाला हूँ कि 15 जुलाई 2020 से हमारे चैनल पर सुबह 7 बजे से राकेश यादव मैथ बुक चलाई जाएगी, जो कि 9700+ बुक है, 9700+ बुक क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वाली बुक कराएंगे। तो सही बच्चे इस बुक में लाइव रहेगा। तो हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। आपके डिस्प्ले सामने क्वेश्चन दे रखे हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 25। किसी शंकु टेंट का आयतन, किसी शंकु का टेंट, शंकु का टेंट का आयतन क्या होता है? शंकु का जो होता है 1/3 πr² h 1232, ये दिया गया 1232 मीटर को दे रखा है। तो यहाँ से हम पता करेंगे क्या कंडीशन रहेगी, हम पता क्या करेंगे। देखो एक चीज यहाँ पे 3 पहुँच जाएगा, यानी कि πr² h 3 × 1232। और दोस्तों हमारे पास दे रखा है इसके आधार का क्षेत्रफल, हम समझाएंगे आपको क्या होता है इसके आधार का क्षेत्रफल। ये हमारे पास एक शंकु दे रखा है, शंकु जो दे रखा है इस तरह दे रखा है, ठीक है। अब जो आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है हमारा, एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² जो दिया हुआ है हमारे पास 154, क्या दिया हुआ है, 154 दिया हुआ है। अब वो πr² यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे हम 154 लिख सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 154 लिख सकता हूँ, इनटू ये लगा दिया मैंने। तो मित्रों हम क्या करेंगे यहाँ से, ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से कट जाएगा 8 × 8 हो जाएगा 24, यानी ऊंचाई जो है हमारी 24 निकल कर आ गई, और जिसमें हमारी जो त्रिज्या है वो दृखा है का कुछ। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि और क्या दृखा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ आधा का क्षेत्रफल दृखा है, आधा का क्षेत्रफल जो दृखा है वो दिया हुआ है πr² 154 दिया हुआ है। आधा का क्षेत्रफल होता है 22/7, r² हो गया 154 हो गया, तो 22 से कट गया 7 बार, तो यानी r² = कितना हो गया 7 × 7, तो इसको उठाएंगे क्या, उसको उठाएगा, यानी आगे जो वैल्यू है वो हमारी यहाँ से 7 निकल कर आ जाएगी, कितनी आएगी 7 निकल कर आ जाएगी। तो h² 24 हो गया, r² 7 हो गया, तो 7 × 24 जो होता है वो एल की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी निकल कर आ जाएगी, 7 × 24 = 25 होता है, क्योंकि त्रिज्या 7 है, ऊंचाई 24 है, तो 7 × 24 = 25 हमारा जिससे होता है मतलब पाइथागोरियन पम्बर, यानी कि ट्रिपलेट जो होता है आपको पता होगा l = कितना होगा 25 हो जाएगा। अब क्या पूछा है इसके अंदर, इसके अंदर जो पूछा गया है कि पूरे टेंट को बनाने के लिए कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। टेंट जो बनाया जाएगा वो दोस्तों यहाँ ऐसे लगाया जाएगा, कपड़ा ऐसे लगाया जाएगा, कपड़ा जो लगेगा वो इस प्रकार से लगेगा, इस प्रकार से लगेगा, ठीक है। अब ये क्या दिया होता है, बक पैच होता है, बक पैच जो होता है CSA जो होता है वो πr(l) होता है, πr(l) होता है, तो 22/7 हो गया, r दे रखा है हमारे पास 7, और r(l) कितना दे रखा है 25, कितना हो गया 25 भी कितना 50 55 55 55, यानी कि कपड़े का, कपड़े की जो मेजरमेंट है वो कितना का 550 मीटर उसका आ गया। अब वो मीटर उसका दे रखा है, आपको पता है कपड़ा जो होता है वो रेक्टेंगल टाइप का होता है, कपड़ा जो होता है रेक्टेंगल टाइप का होता है, यानी l × b, इसकी चौड़ाई जो दे रखी है हमारे क्वेश्चन में वो 2 सेंटीमीटर दे रखी है, तो l × b बराबर हम करेंगे 550, लेकिन b की जो वैल्यू है हमारे पास 2 दे रखी है दोस्तों, तो क्या करेंगे 2 × 2 = 14, 2 × 5 = 10, यानी कि की जो लेंथ की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 275 निकल कर आ जाएगी, तो 275 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि इसकी क्या हो जाएगी लंबाई कहलाएगी। तो दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन है, तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया हुआ मित्रों। तो फिर इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 याद रखें, आपके डिस्प्ले सामने शो हो रहा है तो आप लोग उस चीज को देख सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ एक बार, एक शंकु के, शंकु पाई से पूर्णतः भरा हुआ है, एक शंकु है जो कि पाई से पूर्णतः भरा हुआ है, और शंकु के आधा की त्रिज्या, इन शंकु के आधा की त्रिज्या r और ऊंचाई h है,
इस पानी को एम त्रिज्या वाले बेलनाकार पात्र में पलटा गया है। यानी कि हमारे पास, मैं आपको समझा दूं कि एक हमारे पास शंकु दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या आर और उसकी ऊंचाई एच है। क्या किया गया है इसको, एक क्या हुआ है बेलन वाले पात्र में पलट दिया गया है। जब बेलन पलटा जाएगा जिसका जो आयतन होगा वो इसके आयतन के बराबर होगा। अब त्रिज्या कितनी है वो हम बता देते हैं आपको कि एम त्रिज्या वाले बेलनाकार पात्र, एम त्रिज्या वाले बेलनाकार पात्र बताया गया तो शायद इसकी ऊंचाई हमारी पूछी गई होगी। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ऊंचाई पूछी है क्या? हाँ, बेलनाकार पात्र की ऊंचाई पूछी है। इसकी जो ऊंचाई हम कैपिटल, इसकी स्मॉल एच, इसकी माने कैपिटल एच, ठीक है। तो इसका क्या होगा, 1/3 पाई आर उसकेर एच बराबर पाई आर उसकेर एच। अब एक चीज़ देखो, पाई से पाई कट गया तो 1/3 इसकी जो आर है वो आर दे रखी है, एच तो एच दे रखी है, ठीक है। आर क्या दे रखा है उसको, एम दे रखा है, तो एम उसकेर एच हो गया। तो मैं देख लेता हूँ ऑप्शंस किस रूप में दे रखे हैं। तो ऑप्शन दे रखे हैं एम, मतलब इसी एलिमेंट में दे रखे हैं। तो इसकी ऊंचाई पूछी है, ये वाली हम ऊंचाई निकालेंगे। तो पाई आर, सॉरी पाई तो हट गया था यहाँ से, आर उसकेर एच 3 है, ये एम उठकर यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पे बचेगी ऊंचाई। यानी कि उसकी जो ऊंचाई है वो पाई आर, सॉरी आर उसके एच 3 m² स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल एच जो थी हमारी इसकी पात्र की ऊंचाई थी, जो कि हमारा बेलन दे रखा था जिस पात्र में वाटर को यानी पानी को पलटा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करते हैं। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 27, तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। डिस्क्रिप्ट दे रखा है कि किसी 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गेंद, कोई एक गेंद है जो 6 सेंटीमीटर व्यास है और गेंद का कुछ भाग पानी से भरे हुए बेलनाकार पात्र में डाला जाता है। बेलनाकार पात्र का व्यास, यानी कि ये हमारी एक गेंद है, गेंद का ठोस मतलब गुले की हम बात करें, जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, 6 सेंटीमीटर व्यास वाली गेंद को पूरी तरह उभरेगा, व्यास दे रखा है 6 तो त्रिज्या हो जाएगी 3। इसको क्या हुआ, एक बेलनाकार पात्र में डुबो दिया जाता है। ये कह रहा है ना, एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। बेलनाकार पात्र में डाला गया कौन से वाले में डाला गया, देख क्वेश्चन दे रखा है, किसी 6 सेंटीमीटर व्यास वाली गेंद को कुछ पानी से भरे हुए बेलनाकार पात्र में डाला गया। यानी ये जो पात्र है ये कुछ पानी भरा हुआ है, इसमें कुछ पानी भरा हुआ है, मान लीजिए अब इतना पानी भरा हुआ, जैसे हमने ये वाली बॉल इसमें पलट गई, ये बॉल ये पटकेंगे इसमें तो डालेंगे तो पानी हो सकता है कहीं तक बढ़ जाए, मतलब पहले तो यहाँ तक था, अब हो सकता है कितना बढ़ जाए, अब वो बताना है कितना बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा वो बताना है। जैसे कि हाँ, कितना उस तरह उठ जाएगा, लेकिन बेलना का जो पार्ट है, बेलना का जो पात्र है, इसका जो व्यास है वो रखा 12, यानी कि त्रिज्या जो हो जाएगी R1 इसकी हो जाएगी हमारी 6 और इसकी जो R2 है वो हो जाएगी इसकी 3। तो अब क्या करेंगे, बेलना का पात्र जो है वो पाई आर उसकेर एच, R1 मानेंगे इसकी, और उसका जो मानेंगे 4/3 पाई R2 का क्यूब, पाई से पाई कट गया। R1 कितना दिया हुआ है इसका, 6 दिया हुआ है, 6 × 6 हो गया। तो दोस्तों H 4/3, इसकी जो R है वो 3 × 3 × 3, 3 से 3 कट गया, 3 से कट गया दोस्तों दो बार, और 3 से कट गया हमारे दोस्तों दो बार, 2 × 2 = 4 होता है, 4 से 4 कट गया। यानी H की जो ऊंचाई है वो 1। यानी कि क्या होगा मित्रों, कि एक वाले पार्ट में ऊंचाई जो रखी है वो सेंटीमीटर में रखी है, यानी कि उसकी जो ऊंचाई है वो 1 सेंटीमीटर इसका स्तर क्या होगा, बढ़ जाएगा। कब बढ़ जाएगा, जब इस गेंद को डाला जाएगा तो इतना जो स्तर है वो बढ़ जाएगा 1 सेंटीमीटर। समझ में आया, 1 सेंटीमीटर इसका स्तर बढ़ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं फिर रफ कर देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम चलेंगे। तो सभी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लासेस आपको पसंद आ रही होगी, तो फिर चलते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है पसंद है तो करना क्या है आपको। क्वेश्चन नंबर 28, किसी ठोस बेलनाकार छड़ के आधार की त्रिज्या, एक किसी ठोस बेलनाकार, बेलनाकार एक ठोस है, इस प्रकार का एक बेलन है जिसकी त्रिज्या है वो 50 सेंटीमीटर है, यानी आर इसको रखिए 50 सेंटीमीटर, और बोला गया है को पिघलाकर
छड़ को पेक लगा छह ठोस गेंदों में परिवर्तित कर दिया जाता है, यानी इस प्रकार की छह ठोस गेंद परिवर्तित कर दी जा रही हैं, तो उस गेंद की त्रिज्या पूछी होगी शायद, हाँ त्रिज्या बराबर है दोनों की, इसकी त्रिज्या 50 है, इसकी त्रिज्या भी क्या है 50 दे रखी है। तो ये क्या पूछा गया है, छड़ की लंबाई क्या होगी, छड़ की लंबाई मतलब है इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो दोस्तों करते क्या है, तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर 4/3 पाई आर क्यू, और ये छह गेंदें दे रखी हैं। तो अब देखो ये क्या दे रखा है, आर स्क्वायर से आ कट गया क्योंकि दोनों त्रिज्या बराबर थी, पाई से पाई कट गया ठीक है, और तीन से कट गया दो बार, ये तो बहुत कटता जा रहा है भाई, देख लेते हैं क्या बचा है। एच बराबर 4, आर क्या दिया हुआ है 50 इंटू 2, 50 दो 100 और 100 चौक 400 होता है। एक बार मैं ऑप्शन चेक करता हूँ किस रूप में ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास। अब मैं आपको बता दूँ ये मीटर में पूछा है लेकिन ये दिया हुआ सेंटीमीटर में, तो इसको मैं चेंज करूँगा मीटर में, तो 100 का मैं डिवाइड लगाऊंगा इससे कट जाएगा, ऑप्शन जो आएंगे मेरे 4 मीटर कितना होगा, इसकी जो ऊंचाई है वो 4 मीटर होगी, किसकी पात्र यानी ये बेलन का जो पात्र था ठोस, जिसकी जो ऊंचाई है वो क्या होगी दोस्तों 4 मीटर निकल कर आ जाएगी ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं 29 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात करेंगे कि वो क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ेंगे हम, एक बार मैं चेक करता हूँ क्वेश्चन नंबर 29 हाँ जहाँ दे रखा है, तो क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन शो रखा है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ क्वेश्चन क्या है, आपको समझा देता हूँ कि दोस्तों दो बराबर ऊंचाई वाले 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकुओं को पिघलाकर, दो बराबर ऊंचाई शंकु है, एक बार फिगर बना मैं समझाता हूँ आपको क्लियर हो जाएगा। तीन और चार, इसकी ऊंचाई h, इसकी ऊंचाई h, और को कह रहा है कि इसको पिघलाकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला बनाया गया है, दोनों को पिघला दिया गया है और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला बना दिया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कैसे ये पूछा गया है, शंकु की ऊंचाई पूछी है, इसकी ऊंचाई हमें पूछी है, इसमें तो करेंगे क्या दोनों का जो क्षेत्रफल वो आयतन है बराबर कर देंगे, तो करेंगे क्या कि पाई 1/3 पाई आर वन स्क्वायर एच 1/3 पाई आर टू स्क्वायर इंटू एच बराबर 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। इसमें से क्या होगा, पाई एच 1/3 कॉमन आ जाएगा, तो आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर बराबर 4/3 पाई आर कितना दे रखा है 4 का क्यूब। अब एक चीज़ समझो, आर जो दे रखा है 3 और उसकी 4 दे रखी है, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 और 4 का कितना हो जाएगा 16 ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, एच इंटू 3 16 9 होता है 25, पाई से पाई कट जाएगा तो पाई हट जाएगा यहाँ से दोस्तों है ना, तो 4/3 4 इंटू 4 इंटू 4 ठीक है। अब कट गया है तो 3 से 3 कट जाएगा, एच बराबर 4 4 16 4 16 कितना होगा 256 हो गया 25। अब देखते हैं ऑप्शंस किस रूप में दे रखे हैं और क्या बोला गया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, अच्छा सॉरी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है दोस्तों, 4 नहीं है यहाँ पे दे रखा है 5, तो 5 दे रखा है तो हम थोड़ा हम चेंज करेंगे यहाँ पे 5 का क्यूब हो जाएगा, तो मित्रों यहाँ पे थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ 5 × 5 × 5 हो जाएगा ठीक है, तो थोड़ा यहाँ भी चेंज करना, 25 हो गया, एक इससे एक कट गया था, 5 और कितना होगा 20, यानी एच जो आएगी वो आपकी 20 निकल कर आ जाएगी, कितनी आएगी एच जो निकल कर आएगी वो आपकी क्या निकल कर आएगी 20 सेंटीमीटर आपके एच निकल कर आ जाएगी, यानी ऊंचाई जैसे 20 सेंटीमीटर ऊंचाई के संकुचित जिनको पिघला कर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोले में परिवर्तित कर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 30 वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। मित्रों आपको एक डिस्प्ले सामने क्वेश्चन से हो रहा है तो आप लोग उस क्वेश्चन करो, इसमें क्वेश्चन है वो आपका दे रखा है कि किसी 30 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 45 सेंटीमीटर ऊंचे, 30 वाला क्वेश्चन है, तीस सेंटीमीटर त्रिज्या
और 45 सेंटीमीटर ऊंचे को पिघलाकर कितने शंकु बनाए जाते हैं, जो कि त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गेंदों की संख्या प्राप्त किया जाए, गेंदों की संख्या क्या होगी, क्या करेंगे इसके आयतन में, तो 1/3 पाई आर उसके एच बटे 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो इसकी जो आर है वो कितनी हो जाएगी, 30 × 30 × 45/4, इसकी जो 5 × 5 × 5 दे रखा है, तो हम बात करेंगे तो पचम 5 से कट गया 9 बार, 5 से कट गया 6 बार, 5 से कट गया ये 6 बार, 2 से 2 बार, 2 से 3 कट गया, 2 से ये 3 बार, 3 से 9 क्या हो गया 81, यानी 81 ये आपके स्पेयर निकल के आ गए, यानी कि 41 गेंदों में परिवर्तित किया जाएगा। ठीक है, तो फिर चलते हैं आगे वाला क्वेश्चन। तो मित्रों क्वेश्चन नंबर 31 हम देखते हैं क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 31 आपके डिस्प्ले सामने शो रखा हुआ, आप तो पढ़ सकते हैं क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 31 क्या दे रखा है। तो मैं एक बार आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन ये पढ़ देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 31 क्या दे रखा है कि एक लंब बेलन के आधा की त्रिज्या और उसके सतह क्षेत्रफल, एक लंब बेलन के आधा की त्रिज्या, एक लंब बेलन है आर, आधे त्रिज्या आर और वक्र सतह का क्षेत्रफल, वक्र सतह जो होती है दोस्तों क्या होती है, ये वाली सतह होती है, यानी कि वक्र पृष्ठ की बात करता है, वक्र पृष्ठ जो दे रखा है वो 4πRH, वक्र पृष्ठ CSA जो दे रखा है वो हमारे पास क्या है 4πR और H दे रखा है, ये दे रखा है, मैं चेक कर लेता हूँ, ये दे रखा है 4πR स्मॉल दे रखा है ना, और वैसे हमारे पास क्या होता है 2πRH होता है, 4πRH ये बोला है। तो मित्रों हम एक चीज़ समझेंगे यहाँ से, 2π से 2π कट गया, इससे कट गया r बार, r से r कट गया, तो H इज इक्वल टू कितना आ गया 2H। अब देखते हैं क्या संबंध उसने पूछा है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं ऑप्शंस में, जी बिल्कुल 2H यूनिट आ रहा है ना ये वाला पार्ट, बिल्कुल सही आंसर हमारा निकल कर आ रहा है। तो यहाँ की हम बात करें तो कितना H इक्वल टू 2H हमारा ये आंसर निकल कर आप लोगों के सामने आ रहा है। तो एक बार मैं एक चेक कर लूँ, एच यानी कि स्मॉल दे रखी है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे स्मॉल दे रखी है, तो यहाँ पे स्मॉल है तो यहाँ पे हमें लेनी पड़ेगी कैपिटल, तो कैपिटल की वैल्यू आएगी और ये आएगी स्मॉल में, है ना, ये चीज़ दे रखा है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने करा दिए हैं, तो इससे आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अच्छा ये क्वेश्चन दे रखे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको दे रखे हैं 31 तक हमने पढ़ लिए हैं, और इससे आगे वाले क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आई होगी, यदि ये वीडियो पसंद आई है, क्लास पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करो, चैनल बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे चैनल नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँचता रहे। तो तब के लिए नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।